ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर ने चंद्रग्रहण की असर थशे। 31 जानुआरी चंद्रग्रहण होवाथी सोमनाथ मंदिर में मध्यान्ह अने संध्या आरती थशे नहीं, तो रात्रे 9:30 पूजा आरती थशे। चंद्रग्रहण सवारे 7:25 थी रात्रि 8:15 सुधी रहेशे, जेने कारणे सोमनाथ महादेव की प्रातः आरती बाद तमाम पूजा पाठ बंद रहेशे। तो रात्रि 9:30 वच्चे आरती पूजा पाठ थशे। 31 महासुद पूनम बुधवार रोज खगास चंद्रग्रहण नो योग बनशे। जेथी प्रभास तीर्थना सोमनाथ महादेव मंदिर ने चंद्रग्रहण की असर थशे, तो सोमनाथ मंदिर ना मुख्य पुजारी धनंजय देवे दवे जणाव्युं हतुं के चंद्रग्रहण एटले के सूर्य चंद्र अने पृथ्वी एक धरी पर आवे छे, ते खगोड़ीय चंद्रग्रहण कहेवामां आवे छे। तो वात करीए मध्यान्ह अने संध्या आरती थशे नहीं। 31 जानुआरी चंद्रग्रहण होवाथी प्रथम ज्योतिर्लिंग समायवा सोमनाथ मंदिर में साहे काल में आरती थशे नहीं। तो चलिए बात करिए सोमनाथ ने चंद्रग्रहण की असर थशे, तेने लईने बुधवारे चंद्रग्रहण होवाथी तेनी असर थशे। तो मध्यान्ह अने संध्या आरती सोमनाथ में सोमनाथ महादेव मंदिर में आरती नहीं थाय, साथ सोमनाथ मंदिर महादेव मंदिर में मध्यान्ह अने संध्या काल की आरती नहीं थाय। तो रात्रि 9:30 पूजा आरती थशे, आ साथ ज बुधवारे चंद्रग्रहणनी असर थशे। तो प्रातः आरती बाद तमाम पूजा पाठ बंद रहेशे। तो रात्रिना 9:30 फरीथी पूजा आरती करवामां आवशे। तो चंद्रग्रहण सवारे 7:25 थी रात्रिना 8:15 सुधी रहेशे, जेना कारणे मंदिरनी पूजा पाठ तमाम पूजा अर्चना बंद रहेशे। तो बुधवारे चंद्रग्रहणनी असर होवाथी सोमनाथ महादेव मंदिर ने चंद्रग्रहणनी असर थशे। 1/2018 महासुद पूनम અને બુધવારના રોજ ચંદ્રગ્રહણનો યોગ સર્જાનાર છે। આ દિવસે શ્રી સોમનાથ મંદિર દરરોજના નિયત સમયે જ ખોલવામાં આવશે અને નિયત સમયે જ બંધ કરવામાં આવશે। ગ્રહણની અસરો વિશે જણાવું તો સવારની 7:00 આરતી નિયત સમયે જ થશે અને 7:25 બાદ ગ્રહણનો વેધ શરૂ થતો હોય, રાત્રિના 8:15 બાદ જ મંદિરમાં પૂજા વિધિ ઇત્યાદિ કાર્યો કરવામાં આવશે।